मशीन वाले बब्बा बब्बा चौधरी की मेरठ रोड पर स्थित संजय विहार कॉलोनी में स्थित प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने DFO राजेश निगम के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा का कहना है कि 1985 में सरकार ने गढ़ के खादर क्षेत्र में बंगाली बसाए थे, जिनकी नसबंदी कर उन्हें आवासीय पट्टे दिए गए थे। इस जमीन को वन विभाग खुद की जमीन बता रहा है। दिनेश खेड़ा ने बताया कि क्षेत्र को गंगानगर नाम दिया गया, जिसमें 250 लोग रहते हैं। उस जमीन को वन विभाग अपनी जमीन बताकर सभी को बेघर करने की तैयारी में है। हापुड़ की संजय विहार में भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली में रजाई कर लेकर पहुंचे और DFO के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और ये आंदोलन हमारा कल से चल रहा, हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी उनके नेतृत्व में चल रहा। कल से हम राशन पाएंगे, जो बातें हमने मांगे रखी हैं अगर वो नहीं मानी जाती हैं तो 4 महीने का राशन पानी लेकर हम आए और आगे की लड़ाई हमारी जारी है। आश्वासन तो ये बंगाली भाई हैं जो इनके वोटर कार्ड भी बने होंगे, वो तो इनको जब DFO नोटिस दे रहे हैं तो ये जाएं कहाँ? बनियों कहते हैं जांच कराएंगे, अब 85 से जांच ही नहीं हुई इनकी। वो बात तो हम कल से चला चुके हैं, देख चुके हैं। मैंने कि अब आश्वासन क्या मेरा अधिकारी का आज नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया। कोई आश्वासन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ये चली रहे हाँ, देखते हैं, फिर भी कोई ना कोई वार्ता से ही संभव होता है। जो कोई वार्ता करने के लिए आएंगे तो उस पर अपना विचार रखेंगे, अपनी कहेंगे उनकी सुनेंगे। किसानों का कहना है कि मांग पूरी होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ठाकुर राजवीर सिंह यादव